So, hello and very good morning to all of you. This is me, Rahul Bharadwaj, and I welcome you all to Let's Crack UPSC CSE. So, let's start our daily PIB analysis. And before we move, let me brief you about an academy platform, which is India's largest online learning platform. And here you can access 80 plus India's top educator. Along with this, you will have access to batch courses जहाँ पे प्री मेंस का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है अलॉन्ग विद द प्री एंड मेंस टेस्ट सीरीज. अपार्ट फ्रॉम दिस यू आर गेटिंग द ऑप्शनल. दिस इज द लिस्ट ऑफ पॉपुलर ऑप्शनल्स हियर विच आर अवेलेबल ऑन द अन अकेडमी. यू आर गेटिंग दिस प्री मेंस ऑप्शनल एंड टेस्ट सीरीज. ओके, all these are included only in this one subscription. Okay, and use this code RBLive to get 10%. So यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, दैट इज दिस गवर्नेंस से रिलेटेड आपका ये टॉपिक है. स्पेशली जो GS का आपका पेपर टू है, दैट इज द GS पेपर टू, इन विच यू हैव द टॉपिक्स लाइक एजुकेशन. एजुकेशन इज देयर, हेल्थ इज देयर, ओके, सोशल सिक्योरिटी, गवर्नमेंट स्कीम्स. सो इन दिस पेपर, GS जनरल स्टडीज पेपर टू, ये आपका जो इनिशिएटिव है रिगार्डिंग द डिजिटल एजुकेशन. ओके, वैसे डिजिटल एजुकेशन एज फार एज दिस टॉपिक इज कंसर्न, दिस इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर GS पेपर टू बट फॉर पेपर थ्री एज वेल, क्योंकि यहाँ पे इनोवेशन की बात हो रही है. ओके, डिजिटल टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है, तो ये आपका GS पेपर थ्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है. एंड देयर इज अ वेरी वेरी हाई पॉसिबिलिटी, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी इंडीड कि आपको यहाँ पे ऐसे लिखने को मिलेगा. ओके, ऐसे लिखने को मिलेगा, नॉट ओनली फॉर 2020 बट फॉर 21 के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट है. ओके, डिजिटल एजुकेशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा. एंड एज फार एज दिस टॉपिक ऑफ डिजिटल एजुकेशन इज कंसर्न, ये मैंने आपका जून की जो योजना है, जून की योजना समरी है, वहाँ पे मैंने इसको कवर किया है डिटेल के अंदर. सो यू विल गेट द फोर्डर पॉइंट्स. ओके, यू विल गेट द अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द डिजिटल एजुकेशन. ऑल दो वी हैव already talked about the part of digital education, online education, so many times in our PIB sessions. okay, हमने स्वयं, स्वयं प्रभा, दीक्षा, ई विद्या इनिशिएटिव, इन सब की बात की हुई, तो आपको एक आइडिया तो रहेगा. फाइन, चलिए यहाँ पे बात करते हैं, दैट इज दिस प्रज्ञता. ओके, प्रज्ञता जो गाइडलाइन आपकी रिलीज की गई है, तो यहाँ पे पूछ सकता है कि प्रज्ञता जो है, इस तरह से गाइडलाइन इशू की गई है, किसके कंटेक्स्ट में प्रज्ञता जो गाइडलाइंस है इशू की गई है. तो आपको ध्यान रखना है कि ये डिजिटल एजुकेशन के लिए गाइडलाइंस है, किस कंटेक्स में है. प्री में कैसे पूछ सकता है, प्रज्ञता करके आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस इशू की है. कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ HRD यहाँ पे इन्वॉल्व है, दिस इज द फर्स्ट थिंग. ओके, सेकेंड यहाँ पे पूछ सकता है कौन से कंटेक्स में इनको गाइडलाइंस को यूज़ किया जा रहा है, किस कंटेक्स में ये गाइडलाइंस है. सो दिस दिस इज अबाउट डिजिटल एजुकेशन. क्यों है डिजिटल एजुकेशन के लिए, इस पर भी हम बात करते हैं. COVID-19 की वजह से आपका जो है सब कुछ आपका लॉकडाउन था, और अभी भी जो है स्कूल्स सही तरह से ओपन नहीं हो पाए. ओके, तो आपका जो लर्निंग अफेक्ट हो रहा था, स्कूल चिल्ड्रन है, सभी की लर्निंग अफेक्ट हुई थी. ओके, निगेटिवली अफेक्ट हुई थी, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो. तो वहाँ पे जो एक सॉल्यूशन सामने आया, गवर्नमेंट ने कहा कि यहाँ पे डिजिटल एंड ऑनलाइन एजुकेशन इज़ द वे, इज़ द वे टू गो फॉरवर्ड, दिस इज द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन. व्हाट इज़ दिस ऑनलाइन एजुकेशन. फाइन, तो गवर्नमेंट कह रही है कि ठीक है, हम डिजिटल एजुकेशन या ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ मूव तो कर रहे हैं, बट वी नीड सर्टेन गाइडलाइंस, वी नीड सर्टेन स्टैंडर्ड्स टू फॉलो, सो दैट वी कैन इंश्योर अ सेफ, ओके, सेफ एनवायरनमेंट फॉर दैट, फॉर द स्टूडेंट्स टू लर्न. ओके, तो इसके कंटेक्स्ट में एक क्वालिटी एनवायरनमेंट हम इंश्योर कर सकें, सेफ एनवायरनमेंट इंश्योर कर सकें. तो सेफ्टी एंड क्वालिटी, दीज आर द टू इम्पेरेटिव्स एज फार एज योर ऑनलाइन एजुकेशन इज कंसर्न. तो इसी से रिलेटेड आपकी ये गाइडलाइंस हैं, जो प्रज्ञता गाइडलाइंस हैं. ओके, और ये आपका क्लास वन से क्लास ट्वेल्व तक इंक्लूड करेंगे. सो एज यू ऑल नो, COVID-19 की वजह से बच्चों की एजुकेशन अफेक्ट हुई थी, एंड द मिनिस्ट्री इज एक्चुअली सेइंग दैट अराउंड 24 करोड़ चिल्ड्रन, ओके, 24 करोड़ चिल्ड्रन इन द कंट्री जो स्कूल में एनरोल्ड हैं, ये इम्पैक्टेड हुए थे बिकॉज ऑफ दिस COVID-19, एंड द सॉल्यूशन इज द ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन. क्योंकि अभी भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग या फिर फिजिकल आपका डिस्टेंसिंग है, वो नॉर्म्स फॉलो करने हैं. द थिंक इज दैट स्टिल वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ मेडिसिन फॉर दिस COVID-19. ओके, वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ वैक्सीन. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डेवलप द वैक्सीन फॉर COVID-19. वाई? क्योंकि आपका स्ट्रेन चेंज कर रहा है ये.
स्ट्रेंस चेंज कर रहा है, मतलब इसकी सब स्पीशीज बनती जा रही हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा म्यूटेशन की वजह से। ओके, म्यूटेशन की वजह से ये अपने स्ट्रेन चेंज कर रहा है, मतलब अपनी सब स्पीशीज क्रिएट कर रहा है, तो इसलिए आपका डिफ़िकल्ट हो रहा है कि कोई वैक्सीन आपका डेवलप किया जा सके। फाइन, तो ये जो गाइडलाइंस हैं डेफिनेटली ये क्या करेंगी, किस तरह से आपका जो मेथड है, मेथड ऑफ डिलीवरिंग द क्वालिटी एजुकेशन, इस पर फोकस करेगी। ओके, थ्रू द हेल्दी मिक्स ऑफ स्कूलिंग एट होम एंड स्कूलिंग एट द स्कूल। तो यहाँ पे एक मिडिल वे आपका बैलेंस्ड अप्रोच सोची जा रही है कि स्कूल और घर दोनों को इंक्लूड किया जा सके आपका एजुकेशन आउटकम के अंदर। फाइन, क्योंकि बच्चों के लिए स्कूल जाना जरूरी है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप घर बैठ के कर सकते हैं, देयर इज नो इशू, बट एज फार एज चिल्ड्रन आर कंसर्न, तो उनकी एक जो सोशल लाइफ है उसको आप कह सकते हैं, सोशल इंस्टिंक्ट्स है उनके, काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, बिहेवियरल एट्रीब्यूट है उनका, एटीट्यूड है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, उसके लिए उनका इंटरमिंगलिंग जरूरी होता है कि वो अपने साथ के बच्चों के साथ रहें। ओके, वहाँ पे कुछ गेम्स इस तरह की एक्टिविटीज़ हों, तो ये सब चीज़ें क्या ये गाइडलाइंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर हैज़ बिन रिक्वायरमेंट ऑफ असेसमेंट कि बच्चों का इस तरह से असेसमेंट किया जा सके। ओके, एट द सेम टाइम आपका साइबर सेफ्टी पे बात हो रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट रहेगा गाइज। ओके, ऑनलाइन एजुकेशन में आपका क्वालिटी इज देयर एंड साइबर सेफ्टी, एज आई टोल्ड यू टू कॉम्पोनेंट्स आर देयर, तो क्वालिटी और साइबर सेफ्टी है। इसके अलावा ओवरऑल जो हेल्थ है, वेलबींग है बच्चों की, उसको देखा जाएगा डिजिटल एजुकेशन के टाइम पे। ओके, सो बेसिकली अगर हम इसको कंक्लूड करें तो आपकी जो प्रज्ञता गाइडलाइंस है ये क्या कर रही है, एक बैलेंस्ड ऑनलाइन ऑफलाइन एक्टिविटीज़ को बैलेंस कर रही है और एक मिडिल वे लेके आ रही है सामने। ओके, एक इंक्लूसिव वे कि किस तरह से हम जो है डिजिटल एजुकेशन को अपना जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है उसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसा हम पेडागॉजिकल मेथड्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, दीज थिंग्स आर देयर, यू कैन डेफिनेटली मैंशन प्रज्ञता गाइडलाइंस। ओके, कि किस तरह से ये आपका फोकस कर रही है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, रशिया हैज़ एक्चुअली क्लेम्ड अराउंड 3-4 डेज बैक एंड बट वी स्टिल नीड टू, क्योंकि क्लेम तो बहुत सारी जगह से हो रहा है आपका कि वैक्सीन आपका बना लिया गया है, बट स्टिल वी नीड टू वेट एंड वॉच जब तक इसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। ओके, फॉर द बॉडीज लाइक WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड इस तरह से रिकॉग्निशन नहीं मिलता है तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। सो नेक्स्ट न्यूज़ पे हम बात करते हैं, दैट इज़ दिस डेवलपिंग ए कंडक्टिव इकोसिस्टम फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग द इलेक्ट्रॉनिक आइटम। सो एज यू ऑल नो कि COVID-19 की वजह से आपका जो है पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज गया है कि दिस इज़ नॉट गुड टू ओवर डिपेंड। ओके, ओवर डिपेंडेंसी ऑन द चाइना इज़ नॉट गुड एज फार एज द इंटरनेशनल ट्रेड इज़ कंसर्न, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग की यहाँ पर बात हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, क्योंकि COVID-19 की वजह से आपका पूरा जो है निगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है और एक कंट्री पे अगर आप डिपेंड कर रहे हैं तो दिस इज़ नॉट गुड। ओके, आपका क्योंकि सप्लाई चेन नेटवर्क वहाँ पे हैम्पर हो सकता है और अभी तो चाइना को लेके काफ़ी सारे अप्रिहेंशन है, काफ़ी सारे अप्रिहेंशन है बिकॉज ऑफ चाइनाज ऑफेंसिव अप्रोच एंड स्पेशली एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज, दैट्स वाई द कंट्रीज लाइक जापान, USA ऑल। ओके, आपका जापान है, जैपनीज जो कंपनी है, अमेरिकन जो कंपनीज़ हैं, ये क्या कर रही हैं, चाइना से ऑप्ट कर रही हैं कि हम बाहर की तरफ जाएं किसी दूसरे मैन्युफैक्चरिंग बेस की। ओके, किसी दूसरे मैन्युफैक्चरिंग हब या बेस को ये ऑप्ट कर रहे हैं। सो हियर कम्स द अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडिया दैट इंडिया कुड बी वेरी लुक्रेटिव ऑप्शन, वेरी लुक्रेटिव डेस्टिनेशन एज फार एज मैन्युफैक्चरिंग इज कंसर्न। ओके, तो एक तो ये बात हो रही है, सेकेंड यहाँ पे बात हो रही है कि आपका एक्सपोर्टिंग इंक्रीज करने की बात हो रही है कि डेफिनेटली इंडिया की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं वो प्रोडक्शन इंक्रीज करें और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करें। तो इसके लिए गवर्नमेंट काफ़ी सारे इनिशिएटिव ले रही है। कल आपका जो MCQ सेशन था वहाँ पे हमने बात की थी। ओके, जो आपका 8 PM स्पेशल क्लास होती है शाम को 8 बजे, 8 PM स्पेशल क्लास होती है डेली, जो कि अनअकैडमी की एप्लीकेशन पे है या फिर वेबसाइट पे, फ्री क्लास होती है। ओके, यहाँ पे हमने कल क्वेश्चन डिस्कस किया था आपको, सॉवरेन पेटेंट फंड याद आ रहा है, डू यू रिमेंबर दिस क्वेश्चन, सॉवरेन पेटेंट फंड, कल हमने एक क्वेश्चन किया था, एक टॉपिक डिस्कस किया था विद द हेल्प ऑफ MCQ, सॉवरेन पेटेंट फंड, डू यू रिमेंबर दिस,
यस वेरी गुड। तो सोवरन पेटेंट फंड क्यों इंपॉर्टेंट है? गवर्नमेंट कह रही है कि हमने ऐसा फंड क्रिएट कर दिया, ये फंड क्या करेगा, परचेज करेगा किसको, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को, मतलब पेटेंट्स हो गया, ओके, इनको जो भी उसका इन्वेंटर है वहां से परचेज करेगा। तो इस तरह से जो इनोवेशन है, इस इनोवेशन को यूज किया जाएगा नए स्टार्टअप बिल्ड करने के लिए, नए स्टार्टअप बिल्ड करने के लिए। सॉवरन पेटेंट फंड आपका सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? साउथ कोरिया, इसको ध्यान रखना, इसमें यूएसए नहीं है। और किसके अंडर में हुआ है ये? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी, नॉट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। गेटिंग इट? साउथ कोरिया इज द फर्स्ट कंट्री। तो इसी तरह से गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस तरह से नए स्टार्टअप डेवलप होंगे तो एक्सपोर्ट करेंगे। गवर्नमेंट इज सेइंग कि हम पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम क्या है, एक तरह का की वर्ड है। व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम? इकोसिस्टम एक की वर्ड होता है जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हैं एक पर्टिकुलर सेक्टर की, जिसकी भी हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सपोर्ट के कंटेक्स में हम इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो हैं उनकी बात होगी, इनोवेशन की बात होगी, रिसर्च डेवलपमेंट की बात होगी, ओके। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनकी यहाँ पे बात हो रही है, गवर्नमेंट सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने की बात हो रही है, लॉजिस्टिक्स की बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ें इकोसिस्टम में आएगी। सो गवर्नमेंट इज सेइंग कि ये जो हम कंडक्टिव इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, कंडक्टिव इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम का मतलब होता है कि जिस भी कंटेक्स्ट में ये यूज किया जा रहा है उससे रिलेटेड सारे एस्पेक्ट को इम्प्रूव किया जा रहा है। गेटिंग इट? सारे एस्पेक्ट्स को स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है। सो द गवर्नमेंट इज सेइंग कि हम हर सेक्टर में आपका जो है इस तरह से इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इंडिया जो है सेल्फ रिलायंट हो सके। और यहाँ पे एक मेंशन किया है, स्पेशली उन्होंने मेंशन किया है कि आपका जो है मर्केंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, दिस स्कीम इज देयर। व्हाट इज दिस? एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, मर्केंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इज देयर, MEIS स्कीम की बात हो रही है। व्हाट इज द मर्केंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम? दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। मर्केंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम जो है ये आपके गुड्स के एक्सपोर्ट को, एज यू कैन सी ये जो आपको शिप पे कंटेनर दिखाई दे रहे हैं ये गुड्स है, ओके। सर्विसेज का ऐसा कोई एक्सपोर्ट होता नहीं है कि वो आपका शिप में जाएंगी और फिर उनको करना होगा, ओके। सर्विसेज आर डिफरेंट, ओके। तो जो गुड्स में आपका हो रहा है ट्रेड होता है तो उसको हम मर्केंटाइज ट्रेड कहते हैं, एक्सपोर्ट होता है तो मर्केंटाइज एक्सपोर्ट वर्ड यूज करते हैं। सो दिस MEIS स्कीम इज देयर। व्हाट इज दिस MEIS स्कीम? प्लीज पे अटेंशन, ये इंट्रोड्यूस किया गया आपका अंडर दिस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो 2015 से 2020 तक है, इसके अंडर में आपका मर्केंटाइज एक्सपोर्ट ये जो है स्कीम इस तरह से लॉन्च की गई, MEIS। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, इंसेंटिव प्रोवाइड करा रहा है। इंसेंटिव प्रोवाइड करा रहा है किस चीज़ के लिए? कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को क्या करो, एक्सपोर्ट करो, मतलब इंडिया के बाहर आप भेजे माल को, एक्सपोर्टिंग की बात हो रही है। गेटिंग इट? एंड MEIS वॉज लॉन्च एज एन इंसेंटिव स्कीम फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, द रिवार्ड आर गिवन बाय द वे ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स। अब ये ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स क्या होता है? देखिए स्क्रिप्ट्स, पहले वर्ड को समझिए, स्क्रिप्ट्स एक तरह का सर्टिफिकेट होता है, एक तरह का आप मानिए पेमेंट सर्टिफिकेट है, ओके। तो इस तरह से जो आपको रिवार्ड दिए जाएंगे, दे विल बी गिवन बाय द वे ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स टू एक्सपोर्टर, मतलब उनको इस तरह से स्क्रिप्ट्स दे दी, ओके, जिसके अंदर आप ड्यूटी, मतलब कस्टम ड्यूटी जो आपकी लगती है ना, जो टैक्स लग रहा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे बाहर जाने के लिए, अंदर आने के लिए, तो एक्सपोर्ट के लिए आपको जो इस तरह से ड्यूटी लग रही है उससे रिलेटेड आपको स्क्रिप्ट्स दिए जाएंगे, फाइन। तो एक तरह का इंसेंटिव हो गया ताकि एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सके। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा MEIS? मिनिस्ट्री ऑफ, डेफिनेटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ओके। तो MEIS जो क्या कर रहा है, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चरल जितनी भी इनएफिशिएंसीज हैं, ओके, इंफ्रास्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज, फॉर एग्जांपल हमने कई कई बार बात की है कि लॉजिस्टिक का आपका कॉस्ट ज़्यादा है, लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट ज़्यादा है। लॉजिस्टिक क्या होता है कि आप मूवमेंट कर रहे हैं जो गुड्स का, मान लीजिए जिस फैक्ट्री में बन रहा है वहाँ से जो एंड यूज़र है वहाँ तक पहुँचने के लिए जितनी भी चीज़ें यूज़ हो रही है, आपका ट्रांसपोर्टेशन, कुरियर सर्विसेज, स्टोरेज, कंटेनर डिपो एट्सेट्रा, ये सब लॉजिस्टिक में आते हैं। इस तरह की जो इंफ्रास्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज है उनको आपका एड्रेस कर रहा है, इसके अलावा इंसेंटिवाइज कर रहा है ताकि हम क्या कर सके, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसको कम्पिटिटिव बना सके, मतलब कम पैसे में हम बाहर इस तरह से क्वालिटी प्रोडक्ट्स भेज सके। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की हम बात करते हैं, दैट इज़ द नेक्स्ट ईयर।
दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, स्पेशली इन द कंटेक्स्ट। अगर आपने थोड़े दिन पहले से न्यूज़ देखी होगी तो आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे स्टेट है, स्पेशली आपने बिहार में देखा होगा कि थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग से काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो गई। ओके, नॉट थंडर स्टॉर्म, बेसिकली लाइटनिंग से आपकी इस तरह से डेथ हो जाती है। ओके, यू हैव डेफिनेटली कम अक्रॉस सच न्यूज़। तो स्पेशली जब भी आपका थंडर स्टॉर्म होता है और लाइटनिंग का इशू रहता है और वहाँ पे प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं लिए जाते हैं, तो इस तरह से ये एक तरह का जो है काफ़ी बड़ा हजार्ड माना जाता है। ओके, काफ़ी बड़ा हजार्ड माना जाता है। तो इसी को लेके आपका ये जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट के साथ में आपका वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है। ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या कर रहा है, आपका बेसिकली जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी है रिगार्डिंग डिज़ास्टर मैनेजमेंट एट्सेट्रा, तो उससे रिलेटेड ये दे रहा है। ये आपका जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट टॉपिक है जीएस पेपर 3 में मेंशन है, उसमें इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि काफ़ी सारी डेथ हो रही है इसकी वजह से, लाइटनिंग की वजह से, कि थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग के लिए क्या आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए, कैसे उसको मिटिगेशन कर सकते हो। ओके, कैसे रिडक्शन कर सकते हो कि लोगों की लाइफ को बचाया जा सके, ये मिटिगेशन रिडक्शन ये सब हम बात करेंगे। पहले समझते हैं थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग क्या है, बेसिकली क्यों हो रहा है। तो ब्रीफ में एक बार आपको बता देता हूँ, लाइटनिंग क्यों होती है, बिजली क्यों गिरती है आपकी, थंडर की आवाज़ क्यों आती है, व्हाई डू यू हियर द साउंड ऑफ थंडर एट ऑल, बिजली आपकी कैसे, लाइटनिंग होती है ना, लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, तो ये आपके क्लाउड्स हैं। ओके, व्हाट आर दिस, दीज आर द क्लाउड्स, ये आपका सरफेस है, अर्थ का सरफेस है, ये आपके हैं क्लाउड्स। लग रहा है क्या, ये क्लाउड की तरह लग रहा है ना, थोड़ा थोड़ा लग रहा है सर। ओके, आई एम नॉट दैट गुड इन ड्राइंग एट ऑल। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इस तरह से जो पार्टिकल्स हैं, ओके, अंदर क्लाउड्स के अंदर इस तरह से चार्ज क्रिएट होता है। ओके, चार्ज क्रिएट होता है तो जो पॉजिटिवली चार्ज है ये ऊपर आ जाते हैं। ओके, और जो नेगेटिवली चार्ज है ये इस तरह से नीचे रहता है, नेगेटिव चार्ज। और धीरे धीरे ये क्या करते हैं, ये पार्टिकल्स इस तरह से आपके साइज में ग्रो करते हैं, एंड दिस पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपका ये क्रिएट करता है। ओके, तो ये जो होती है काफ़ी स्ट्रांग होती है। ओके, ये जो वॉल्ट्स होते हैं इनके काफ़ी स्ट्रांग इलेक्ट्रिसिटी होती है, और ये इस तरह से लाइटनिंग स्ट्राइक के रूप में इस तरह से नीचे आती है, लाइटनिंग स्ट्राइक के रूप में। तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो रहा है ये इसको डिस्चार्ज कर रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज को ये क्लाउड्स डिस्चार्ज कर रहे हैं, विद इन द क्लाउड दिस इज हैपनिंग, इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक। ठीक है सर, ये लाइटनिंग स्ट्राइक बिजली चमक रही है। अब ये थंडर का साउंड क्यों आता है, जब भी बिजली चमकती है थंडर का साउंड क्यों आता है, थंडर का साउंड आता है ये जो लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही है इसके आसपास में ये जो एयर है। ओके, ये जो एयर है ये रैपिडली एक्सपेंड होती है। ओके, रैपिड एक्सपेंशन ऑफ एयर, दैट्स वाई वी डू हियर दिस साउंड ऑफ थंडर। ओके, तो लाइटनिंग और थंडर क्यों हो रहा है ये थोड़ा सा मैंने बेसिक आपको बता दिया है। एंड अब बात करते हैं इसको मिटिगेट करने की। सो एम, ये जो आपका वेबिनार था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट के साथ में, ये किस चीज़ पे बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि किस तरह से हम जो हजार्ड वल्नरेबिलिटी रिस्क कैपेसिटी असेसमेंट है, फोरकास्ट है, इसको बढ़ा सकते हैं। ओके, फोरकास्ट मतलब आप पहले से ही बता दें कि यहाँ पे लाइटनिंग स्ट्राइक हो सकती है ताकि लोग उस तरह से थोड़ा सा प्रिकॉशन ले सकें। ओके, रिस्क कैपेसिटी असेसमेंट है मतलब ऐसे कौन से रीज़न है जहाँ पे आपका ज़्यादा जो है रिस्क है, कि रिस्क जोन जॉइनिंग आपने कर दी। जैसे मैंने कई बार आपको पढ़ाया ना कि जो इंडिया का मैप है, ओके, इंडिया के मैप की अगर हम बात करते हैं, इंडिया के अगर हम मैप की बात करते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे अर्थक्वेक के जोन्स की, अर्थक्वेक के बेसिस पे आप जोनल वो करते हैं, मैप करते हैं, जिसे कहते हैं हम सिस्मिक जोन्स ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क फैक्टर, तो आप देखेंगे ये जो रीजन है, ये जो पूरा रीजन है हिमालयन रीजन है, यहाँ पे आपका जोन आ रहा है 5, यहाँ पे आपका जोन आ रहा है 4, मतलब सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर है यहाँ पे। तो उसी तरह से आपका जो है रिस्क असेसमेंट किया जाए, ओके, हजार्ड का, और इस तरह से बताया जाए कि इन एरियाज में ज़्यादा आपको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, उस तरह से आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि अब आपको पता चल जाएगा, फॉर एग्जांपल हजार्ड रिस्क कैपेसिटी असेसमेंट में आपने पता कर लिया कि कौन से एरियाज हैं जहाँ पे आपको जो ज़्यादा ज़रूरत है किस चीज़ की फोरकास्टिंग करने की, तो आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने इस तरह से ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ये क्या है, वेदर आपका रडार है, व्हाट इज दिस, डॉपलर
वेदर रडार है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डॉपलर वेदर रडार। तो इस तरह से आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर उन एरियाज में बिल्ड कर सकते हैं। डॉपलर वेदर रडार इज़ देयर, तो ये आपने इस तरह से बिल्ड कर दिया। डॉपलर वेदर रडार आपका क्या करेगा, प्लीज़ पे अटेंशन, डॉपलर वेदर रडार आपका क्या कर रहा है, जितनी भी आपकी वेव्स होती हैं ओके, ये इनको इस तरह से हियर कर रहा है, आपकी हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स हैं इसकी तरफ आ रही हैं तो वहाँ पे ये रेस्पॉन्ड करेगा। तो हाई और लो फ्रिक्वेंसी जो भी हो रहा है, तो इस तरह से ये कोई भी वेदर के अंदर या जो आपका कोई भी चेंज होता है उसको ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव्स उसके बेसिस पे ये आपको बताता है ओके। डॉपलर वेदर रडार आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं आप, फॉर एग्जाम्पल आपका दामिनी ऐप है कि ये भी पूछा जा सकता है दामिनी ऐप किस कंटेक्स में यूज़ हो रहा है, क्या इसका यूज़ है, किसने इसको रिलीज किया है दामिनी ऐप है। तो दामिनी ऐप आपका जो है दैट इज़ दिस आई आई टी एम पुणे एंड ESSO ओके इसने मिलकर रिलीज किया है। तो दामिनी ऐप बेसिकली क्या कर रहा है, ये आपका जो है जीपीएस नोटिफिकेशन के थ्रू क्या है, लाइटनिंग स्ट्राइक, बिजली जो गिर रही है लाइटनिंग स्ट्राइक से रिलेटेड आपको पहले से ही वार्निंग दे दे रहा है ओके। सो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे आपका दामिनी ऐप है जो कि IITM पुणे की हेल्प से डेवलप किया गया, डॉपलर वेदर रडार है, लाइटनिंग डिटेक्टर सिस्टम है आपके, तो ये आपका डेवलप किया जाएगा, इनको इंस्टॉल किया जाएगा जहाँ पे भी आपके जो है सेंसिटिव एरियाज हैं ओके, ताकि आप बेटर प्रिपेयर हो सकें और मिटिगेट कर सकें। मिटिगेशन ऑफ थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग बिसाइड टेक्निकल नॉलेज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर टाइमली रेस्पॉन्स, दिस टाइमली रेस्पॉन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज डिजास्टर मैनेजमेंट इज कंसर्न एंड रेस्पॉन्स इज कंसर्न। फाइन, तो ये कुछ आपको मीजर है मैंशन करने होंगे अगर आपको पूछ लेता है एग्जाम में कि क्या करना चाहिए। फर्दर इस वेबिनार में एम्फेसाइज किया गया दैट वी नीड टू शिफ्ट द अप्रोच फ्रॉम फोरकास्ट टू नाउकास्ट ओके, फोरकास्ट टू नाउकास्ट एंड प्रिपेयर द अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी टू डिसिमिनेट द अर्ली वार्निंग ऑफ थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग टू द कंसर्न स्टेक होल्डर, मतलब रियल टाइम वार्निंग आपको देनी पड़ेगी ओके। इस तरह से कोई थंडर स्टॉर्म चल रहा है किसी एरिया में ओके, आपको पता है कि ये इस तरफ मूव कर रहा है, तो आप रियल टाइम वार्निंग देंगे कि इस तरह से आपका थंडर स्टॉर्म है, लाइटनिंग स्ट्राइक कर सकता है, प्रिकॉशंस लीजिए। फाइन, तो ये चीज़ आपको वहाँ पर लिखनी होती है। एज फार एज डिजास्टर मैनेजमेंट इज कंसर्न, कुछ आपके टर्म्स यूज होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में, क्या यूज होता है, प्रिवेंशन ओके, प्रिवेंट कर लीजिए ओके, प्रिवेंशन, मिटिगेशन इज देयर, प्रिपेयर्डनेस। तो ये जो प्रिवेंशन है, मिटिगेशन है, प्रिपेयर्डनेस है, ये तीनों क्या है, जब कोई भी आपका डिजास्टर इंसिडेंट हो रहा है ओके, इंसिडेंट हो रहा है उससे पहले की ये बातें हैं, उससे पहले की बातें हैं, तीनों चीज जो होती है, प्रिवेंशन हो गया, मिटिगेशन हो गया एंड प्रिपेयर्डनेस, तो ये प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी में आएंगे, ये बिफोर बिफोर द डिजास्टर, आई मीन दैट व्हाट एवर द इवेंट टेक्स प्लेस, मान लीजिए कोई साइक्लोन है तो उससे पहले आप जो है प्रिवेंटिव मेजर ले रहे हैं, प्रिवेंशन मतलब आपने इवैक्यूएट करा दिया उस एरिया को ओके। मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, मिटिगेशन स्ट्रेटजी में क्या होता है कि उससे जो आपको नुकसान हो रहा है उसको रिड्यूस करना ओके, उसको रिड्यूस करना, प्रिपेयर्ड आपने पहले से प्रिपरेशन कर रखी है, फॉर एग्जांपल आपने साइक्लोन शेल्टर्स बना रखे हैं, साइक्लोन शेल्टर्स आपने बना रखे हैं, सो ऑल सच काइंड ऑफ थिंग्स कम अंडर दिस प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी अंडर द कैपेसिटी डेवलपमेंट इन द हेडिंग्स ऑफ प्रिवेंशन मिटिगेशन प्रिपेयर्डनेस। अब आपका इंसिडेंट हो गया, मान लीजिए आपका साइक्लोन इस तरह से हिट कर गया, तो अब आपको रेस्पॉन्स करना होगा, रेस्पॉन्स शुड बी क्विक वेरी एप्ट ओके, प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स होना चाहिए, इफेक्टिव रेस्पॉन्स होना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाइव्स वहाँ पे सेव कर सकें, लोगों की जो असेंशियल सर्विसेज हैं उनको वापस से स्टार्ट कर सकें, गेटिंग इट। फिर हमें रिहेबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन करना होगा, क्योंकि वहाँ पे जो नुकसान हुआ है वहाँ से लोगों को बाहर निकालना, रिहेबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन। तो ये पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट का एक साइकिल है, कुछ टर्म्स हैं जो आपको पढ़नी होती है, वैसे स्टैटिक पार्ट में पढ़ना होता है, आई जस्ट गिव यू सम बेसिक पॉइंट्स अबाउट द डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। एक आपका मैप लोकेशन है, आई होप पता होगा आपको, दिस हैज़ बीन इन न्यूज़, हल्दिया, हल्दिया कहाँ पे सिचुएटेड है, सो हल्दिया इज़ वन ऑफ द मेजर पोर्ट आपका जो है कलकत्ता में है, वन ऑफ द मेजर पोर्ट हल्दिया इज़ देयर, हल्दिया है आपका पेट्रोकेमिकल के लिए जाना जाता है, पेट्रोकेमिकल आपका इंडस्ट्री का ये हब है। एज़ फार एज मेजर पोर्ट्स आर कंसर्न, अराउंड 13 मेजर पोर्ट्स आर देयर इन द इंडिया,
ये कुछ लिस्ट है मेजर पोर्ट की, इनकी इनके नाम आपको याद रहने चाहिए. ओके, नॉट ओनली फॉर प्री बट फॉर द मेन्स एज वेल, यू शुड रिमेंबर दीज नेम्स. यहाँ पे आपका जिस पैरादीप उड़ीसा में है, कैलकत्ता हल्दिया इज़ देयर, विशाखापट्टनम इज़ देयर, चेन्नई इज़ देयर, एन्नौर इज़ देयर, ओके आंध्रा के अंदर है, टूटीकोरिन है, कोचीन, न्यू मैंगलोर, मरमागांव, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज़ देयर, कांधला इज़ देयर, ये कुछ मेजर पोर्ट्स हैं. ओके फाइन, या हल्दिया एक तरह की ऑफ शूट है, गंगा रिवर का ही ऑफ शूट है हल्दिया जो है, तो वहाँ पे ये इस तरह से बना हुआ है. सो दिस इज ऑल एंड दैट्स द कोट फॉर यू गाइज. एंड सक्सेस कंसिस्ट ऑफ गोइंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट लॉस ऑफ एंथ्यूजियाज्म. यू डू नॉट नीड टू लॉस योर एंथ्यूजियाज्म. ओके, कोई बात नहीं. जितने भी इस तरह से जो एक्सपर्ट हैं आज के टाइम पे या जो भी सक्सेसफुल पर्सनस हैं, उनको ऐसा नहीं है कि पहली बार में उन्होंने कुछ अचीव किया और धीरे धीरे उन्होंने बिल्डअप किया है. दे ऑल हैव गॉन थ्रू दीज फेलियर्स. ओके, सभी के लिए कॉमन है. तो आपको ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं, यार मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं कर पाऊँगी, वट एवर इट इज़. ओके, यू डोंट नीड टू डीमोटिवेट योर सेल्फ. एनकरेज करना है, सेल्फ मोटिवेट अपने आप को करते रहना. ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जामिनेशन आपका लॉन्ग प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. इतना बड़ा सिलेबस कवर करना, फिर उसको रिवाइज करना, फिर उसको रिप्रोड्यूस करना, एग्जाम में परफॉर्म करना, ऑल दीज थिंग्स आर देयर. सो अपने आप को मोटिवेट करते रहिए गाइस. एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, नॉट इन द लाइव. ओके, आफ्टर दिस कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि इस कोट का पर्सनली आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है. ओके, व्हाट दिस कोट मींस फॉर यू. ओके, पर्सनली इन द कमेंट सेक्शन. सो दिस इज ऑल एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन मी लाइव फॉर दिस क्रैक प्रॉब्लम्स MCQ सीरीज एट 8 PM, जो आपकी डेली चल रही है. एंड आई थिंक टुडे इज़ द डे फाइव इज़ देयर. And don't forget to join me here. We are doing the revision as well as covering the new topics with the help of this series. ये आपकी Unacademy application. All the best and God bless you all.